टाइम न्यूज समूह की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज पूरा देश संविधान का महापर्व गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में शुजालपुर और आसपास के अंचल में भी 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। शुजालपुर के नगर पालिका परिषद कायस्थ चित्रांश परिषद सहित शासकीय JNS महाविद्यालय में इस महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शासकीय JNS महाविद्यालय परिसर में कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष सीता रामचंद्र पाटोदिया के साथ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बबीता परमार ने बड़ी संख्या में उपस्थित स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में तिरंगा फहराया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष बबीता परमार ने अध्यक्षीय भाषण के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन किया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इसके बाद मेधावी छात्र छात्राओं और विजेताओं को पुरस्कार और सम्मान पत्र देकर मंचासीन अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ शासकीय कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हम लोग, इसकी मैं पूरे नगरवासी पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ, क्योंकि कई कई पीढ़ियों के बलिदान हो गए तब जाकर हमें सफलता हासिल हुई है और आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले तो उन जिन लोगों ने बलिदान दिया उन परिवारों को मैं अपनी तरफ से नमन करती हूँ कि सैनिकों की जो सैनिक की एक पीड़ा रहती है कि किसी गजरे की खुशबू को मैं महकता छोड़कर आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को मैं महकता छोड़कर आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को मैं चहकता छोड़कर आया हूँ, मुझे अपने सीने से लगा लेना भारत माता, मैं अपनी माँ को बिलखता छोड़कर आया हूँ। हमारे वीर जवानों ने इतना त्याग किया, उनके परिवारों ने इतना बलिदान किया, तब जाकर आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। और हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे राम लला अपने भवन में विराजमान है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये सपना युगों युगों से हम सपना देख रहे थे सपना साकार किया, और राम लला की भी मैं पूरे नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके